फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते है, सत श्री अकाल। देख सकते हैं आज हम आपको नई ट्रिक बताने जा रहे हैं। और एक हमारे सेब का पौधा है जो आपको दिखाने जा रहे हैं, कितने साल का है, कब इसकी प्लांटिंग की गई थी, इसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारा जिला है हरदोई। हम हरदोई जिले से दुलारपुर से बिलोंग करते हैं। हम सर आपको पौधा दिखाने जा रहे हैं। मेरा 1 ईयर का पौधा हो गया है, जो हमारे चाचा लेके आए थे वो लगाए हैं। 1 ईयर का पौधा हो गया, उसकी कैसी ग्रोथ चल रही है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स अभी भी बताऊंगा आगे चल के। वीडियो से देख सकते हैं, ये अभी आपको आगे वीडियो में बता रहे जा रहे थे। ये सेब का पौधा है, मेरा 1 ईयर का हो गया है, जो चाचा लेके आए थे दिसंबर माह में लेके आए थे। उसको 4 या 3 दिसंबर की इसकी प्लांटिंग हो गई थी। इसकी ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है, देखो 7-8 फुट का हो गया है। इसकी मोटाई अच्छी खासी हो गई है, आप नीचे देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी मोटाई हो चुकी है। हो सकता है इसके अगले साल इसमें फ्रूटिंग वोटिंग आ सकती है, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें कोई हवा का छिड़काव नहीं किया गया, इसमें कोई खाद डाली गई किसी प्रकार की, इसकी ग्रोथ ऐसे अच्छी चल रही है। देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। इसका ना पेड़ बड़ा हो चुका है, जो अभी तक 1 ईयर का हुआ है। 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को लाया गया था उसको 3 या 4 दिसंबर को लगा दिया गया था। इतना बड़ा हो गया है पौधा, 1 ईयर का हो गया है। और आगे एक और प्लांट है जो इसके साथ ले लाया गया था, मैं उसको छांव में लगा नहीं पाया, तो पौधा रुक सा गया है, वो बढ़ा ले लिया है और वहीं पर अब मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ। फ्रेंड से ये 1 ईयर का पौधा हो गया, उसको छांव में लगाने के कारण पौधे की कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है। उसके आस पास नशाला जंगल है, जिसके कारण इसका जो ग्रोथ है रुका हुआ है। उसके ऊपर बेल का पौधा है, की छांव लग रही है, उसमें बेल भी लगे हैं, इसलिए उसके पास सेम के पौधे हैं, इसलिए इसकी ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है। उसके ऊपर छांव लग रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। 1 ईयर का पौधा है, जिस पहले वाला प्लांट है उसे साथ लगाया गया था।